हेलो गाइस, आई थिंक ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। आज हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन और आज हम जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग अभी उज्जैन पर पहुंच चुके हैं। अगर आप उज्जैन महाकाल का दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको कहीं से भी आ रहे हैं तो आप उज्जैन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो उज्जैन है। स्टेशन से बाहर निकलते ही थोड़ा सा फ़ोटो हुआ, उज्जैन पहुँच चुके हैं हम बताने के लिए करके। फिर हम लोग चाय की चुस्की लेने के लिए चाय की दुकान पर पहुंच गए। सामने ही आपको चाय की दुकान मिलेगी। चाय पीकर हम लोग रामघाट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से रामघाट 2 किलोमीटर पड़ता है और महाकाल का मंदिर भी आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप रूम लेके रहना चाहते हैं तो रूम ले सकते हैं। तो रूम लेने के लिए आप सीधे महाकाल भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपको नदी में नहाना है, शिप्रा नदी में, तो आप रामघाट के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग रामघाट के लिए निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग नदी में नहाना चाहते थे। ऐसे बात बात में ऑटो ड्राइवर ने बहुत सारी बातें बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी आप यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो पास के जो मंदिर है, छोटे मोटे अर्जित की माता, बड़ा गणेश, चार धाम, राजा विक्रमादित्य का टीला, ये घूम लोगे? ये शाम हो गई आपकी। हम लोग को मतलब 5 बजे तक घूमना है। हाँ तो ये मैंने आपको क्या बताया, 1-1.5 बजे तो तुम्हें बस ही छोड़ेगी वापस रिटर्न। अच्छा ठीक, आधा दिन तो आपका हो ही गया। उसके बाद आप कॉरिडोर में घुस जाओगे। अच्छा, कॉरिडोर में कम से कम मिनिमम 2-2.5 घंटे लगते हैं भाई साहब। बहुत बड़ा बना हुआ है, पूरा तालाब वालाव सब बना हुआ उसमें। ठीक, 2-2.5 घंटे उसमें लग जाएंगे, समझ लो 2.5-3 तो आपको उसमें ही बच जाएगी। फिर आप निकल के खाना वाना खा लोगे भाई, 3-3.5-4 बज जाएगी, 1 घंटा बचेगा छोटे मोटे मंदिर घूम के। स्टेशन पैदल आ जाना, उसमें शनि मंदिर भी ले जाती है बस, चिंतामन गणेश ले जाएगी। अब वेशशाला जो है ना, धूप से चलने वाले यंत्र वगैरह, वहाँ पे जंतर मंतर है। जैसे 3 जगह बने खाली, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन, सुना होगा आपने वेशशाला, जो धूप से चलने वाले यंत्र, गुरु तारा वगैरह सब दिखाते हैं ना, वो बस ले जाती है। ऑटो वाला कोई भी नहीं ले जाएगा आपको। ये हम तो इसलिए कि नाइट में गाड़ी चलाते हैं ना, इसलिए बोल देते हैं भैया पब्लिक को कि बस से ज़्यादा बेहतर रहेगा घूमना। ऑटो में आप गए ना, ऑटो 15 मिनट में ऑटो वाला, भैया चलो यार लेट हो रहा हूँ मैं, वेटिंग चार्ज लेने लग जाऊँगा, साफ कह देता हूँ। वो बस में आपको आधा घंटा मिलता है एक जगह पे, 25 मिनट बोलते हैं वो, बाकी आधा घंटा देते हैं एक बस। आराम से 5-6 घंटे उसमें घूमो ना यार भाई साहब, सही। और 80 रुपये भाड़ा है आपका उसमें, एक आदमी के 80 रुपये लगेंगे आपको। हम लोग को कृष्ण भगवान मतलब वो जहाँ पे मतलब पढ़ाई वगैरह की, हाँ शांति बनी ऋषि का आश्रम, हाँ तो सब पूरे ही आएगा उज्जैन में, जो जो मंदिर है ना मेन। अच्छा। टोटली उज्जैन दर्शन का मतलब क्या हुआ भाई साहब, देखो सबसे पहले आपको ले जाएगी बस कृष्णा जी का, जहाँ आप कह रहा हो। अच्छा, दूसरा आपका मंगलनाथ, जो पूरे भारत में मात्र एक ही मंदिर है पूरे इंडिया में। उसके बाद सिद्धवट, सिद्धवट के बाद काल भैरव आएगी, फिर कालका माता शक्तिपीठ, भरतरी गुफा, फिर वहां से निकलेगी तो ऋण मुक्तेश्वर। अच्छा। ऋण मुक्तेश्वर के बाद जाएगी चिंतामन, सिद्धि विनायक मंदिर है जो। अच्छा, ये सब बस घुमा देंगे। हाँ ये बस, तो है ना? बस हम लोग को महाकालेश्वर से बाहर से, हाँ मंदिर के वहीं आप जाओ, टिकट विकट कहीं से बाहर से, मंदिर के वहीं से कटेगा आपका। 80 रुपये का टिकट रहेगा भाई साहब, वो तो माइक में चिल्लाते हैं वहाँ, उज्जैन दर्शन उज्जैन दर्शन, बस वहीं से टिकट ले लो आप। ऑटो हम लोग को रामघाट के पास ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि अंदर ऑटो जा नहीं सकता तो ऑटो गया नहीं। और ऑटो वाले से बात करके पता चला कि वहाँ जाने के लिए बस की भी व्यवस्था होती है। अगर आप बस से घूमना चाहते हो उज्जैन तो आप बस से घूम सकते हैं, जो 80 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और भी हम लोग रामघाट पर स्नान करने के लिए आ चुके हैं। इसलिए गाइस, एज यू कैन सी हम लोग रेडी हो गए अभी दर्शन करने के लिए। साथ में अमित भाई, इधर है सूर्य अडॉन। गाइस अभी हम लोग प्रसाद ले चुके हैं, प्रसाद लेके अभी हम लोग महाकाल के लिए निकल चुके हैं। देख सकते हैं मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग हैं सब। चलो हर 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 महादेव। मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मंदिर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। एक इधर से आप देखेंगे तो 100-200 मीटर की दूर पे पड़ता है
और इधर कैसे अगर आप जैसे रूम वगैरह नहीं लेते हो तो इधर बैग वगैरह रखने की आपकी व्यवस्था रहती है, तो आप बैग रख सकते हो। सफाई के माने में सफाई भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे है, और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और अभी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस कॉरिडोर की साइड से हो गया है, तो आप अगर जाते हैं तो कॉरिडोर की साइड से एंट्री गेट रहेगा, आपको दिख भी जाएगा, आप जा सकते हैं आसानी से। इधर भी लाइन बना रहा है भाई घुमाने के लिए। इधर आपको हाथ धोने के लिए हाथ धो सकते हैं। अभी हम लोग मेन गेट पर पहुंच चुके हैं जहां से दर्शन के लिए जाना है। अगर आगे कैमरा अलाउ रहेगा तो हम आपको आगे का भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, कोई काम आस्था से करो तो वो अवश्य होता है। उसी प्रकार से हम लोग को शुरू में लग रहा था कि इतनी भीड़ में दर्शन कैसे होएगा, बट जब दर्शन का टाइम आया तो हम लोग सीधे महाकालेश्वर के सामने मिले। एकदम फ्रंट पे खड़े थे। यहाँ पे महाप्रसाद मिल रहा है और महाप्रसाद की लाइन लगी हुई है, कभी भी आप आए तो महाप्रसाद लेके जाएं। और उसके बाद फिर कॉरिडोर आके आप कॉरिडोर घूम सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे ज्योतिर्लिंग आपको मिलेंगे। आई थिंक 54 ज्योतिर्लिंग हैं, तो आप सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए आप कहीं से भी आ रहे हैं, उज्जैन रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, आप आसानी से आ सकते हैं। और ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कृपया ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।